और दूआ कन्फ्यूजन उस दिमाग यह भी आ जो दिल्ली का कांग्रेस पार्टी छोड़ी आए वो G23 जो उनका ग्रुप हा उन्हें भी जरूर सलाह उनकी हुई होनी है जो नहीं भी हुई टैलीपैथी काम करती है उत्तों तो सोची आया कि अस राष्ट्रीय नैशनल पार्टी इतने आई है उन्हें स्टेट पार्टी का उन्हें किस चीज़ ने मोटिवेट किया स्टेट पार्टी बनाने में समझ नहीं आई। जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मी दिखी जा करती है, गर्मी इस वास्ते हुई है कि गुलाम नबी आजाद और जेडे कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है अपनी पार्टी थमां इस्तीफा दी है जम्मू पुजी गए और जम्मू उन्हें एक रैली के दौरान घोषणा की है कि वो जम्मू कश्मीर च एक इलाकाई जी पार्टी है उसका गठन करन और उसका नामकरण जोड़ा जम्मू तो कश्मीर के जेडे उनके लीडर न उदा नामकरण जोड़ा है वह आपू बच्चे सलाह मशुरा करिए जोड़ा है वह करन। नवी पार्टी बनती है वह सियासी तौर पर किन्ना फायदा आजाद होर ही होंगे जो उसका नवी पार्टी बनने का कारण जड़िया जम्मू कश्मीर पार्टियां जड़िया कि दम भर दी कि सरकार असें बनानी उन्दे पर किन्ना असर पाता है इस संबंध में अस गलबात करा करने साढ़े कन्ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा। शर्मा साहब सीधी लकीर तुम्हारा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें गल करने का मौका दिता, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा साहब आजाद होरें जी नवी पार्टी गठन करने का जरा ऐलान किया है और वह इलाकाई पार्टी होनी है तुम सुने भी होना और सुर्खियों ये चला करता है तुस बड़े गुड़े दे एक राजनीतिज्ञ हो तुस के देखते हो? देखो जी तुस आखा दे आजाद साहब आए न नवी पार्टी गठन किया, आजाद साहब पिछले इलेक्शन भी इतने गए और पिछले इलेक्शन भी इतने गए भावें वह आम तौर पर दिल्ली होंगे पर चुनाव के मौके इतने आ जाते हैं और जो लोग उनके कन्ने गए उवे लोग गए जो पहले भी उनके कन्ने गए पिछले असेंबली इलेक्शन भी इे लोग कन्ने इे आजाद साहब कंपेन करा दे तो रिजल्ट थोड़ा सामने गा मी नहीं लगता कि बड़ा व्डा खतरा होइया उन्दे होने कन्ने उन्दे कन्ने पिछले बारी पूरी जे एंड के दी कांग्रेस ही जो कंपेन करा दे इस बारी अद्धी उन्दे कन्ने आई अद्धी आई है 40% आई है 60% आई बाद देखा जा लेकिन कोई बड़ी बड़ी तब्दीली होने का कोई चांस नहीं है। जम्मू कश्मीर का इलैक्टोरेट है जो मतदाता ना वो मेरे हिसाब ने दो खेमे मंडाने वाले अगे गए मंडोए एक वो राजनीतिक पार्टियां उनके समर्थक जो 370 की रिस्टोर करना चाहते हैं परतियै लाना चाहते हैं एक और जो ये जाने के खुश हे आजाद साहब कड़े पास न उन्हें 370 बोलिया कख नहीं है बिल्कुल तो जल्द मतदाता दो सही मंडोए तो इन्हें किड़े मतदाता के जाने कश्मीर के मतदाता 370 की रिस्टोर कराना चाहते हैं जम्मू वाले हटाना चाहते हैं तो बाकी निक्की मोटिया पार्टियां अपने स्टैंड बदलती रहिंदियां पर आजाद साहब मैं मनिया कि बड़े बड़े लीडर ने तजर्बाकार ने बड़ी उनकी कद है पर स्टैंड के लिया उन्हें ना इधर ना उधर और दूआ कन्फ्यूजन उस दिमाग यह भी आ जो दिल्ली का कांग्रेस पार्टी छोड़ी आए वो G23 जो उनका ग्रुप हा उनके कन्ने भी जरूर सलाह उनकी हुई होनी है जो नहीं भी हुई टैलीपैथी काम करती है उत्तों तो सोची आया कि अस राष्ट्रीय नैशनल पार्टी इतने आई है उन्हें स्टेट पार्टी का उन्हें किस चीज़ ने मोटिवेट किया स्टेट पार्टी बनाने में समझ नहीं आई वो एक बड़े बड़े समुद्र के तैराक है तो इतने आइए खूह च आइए खूह जिडू बनने की कोशिश करा करते हैं ये भी मैं समझ नहीं आई या तो उन्हें कोई डर लग्या या के गल हुई उन्हें कंसनट्रेट इतने करना सोचा चलो ठीक है पर मैं ये सोचना कि नवा कि इलैक्टोरेट ऐसा हो जो दोवें हिस्से मुंडे इन्हें वोट दे दूसरा पहले भी वो मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल उन्हें अपने जिन्हें काम किए दे उनका बड़ा वर्णन किया और मैं मनना कि मैं BJP चाह उसके बाद भी उन्हें डिस्ट्रिक्ट डोडा जो पुराना डोडा हा उत्ते कुछ काम की भी आए डिवेलपमेंट के पर साड़ी लड़ाई ही इस गल है कि जम्मू कन्नै बेइंसाफ होंगी बेइंसाफी होंगी है जम्मू का हिस्सा मारिया जाता है तो उन्हें अपने मौके क्या किया उन्हें 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के बनाई उड़े 10 जम्मू के बनाई उड़े यदा मतलब कि मेरा हिस्सा कोई खोइए ले गया है तुम फैसला करने वाले हो तुम आखो जोड़ा हिस्सा वापस करिए अद्धा अद्धा ले लो जो माल चोरी हो उसे पूरा मिलना चाहिए ना इनकी एक और स्कीम ही और शायद तुम भी जर्नलिज्म च गए हो यह भी चाहते कि 25-25 सीटा दोनों कश्मीरवादियों जम्मू दी असैंबलियां बधाई दी जान वो क्या इंसाफ आ साड़ी आबादी ज़्यादा सारा एरिया ज़्यादा हा मगर वो दोनों ही बराबर बनने वाला काम है ना वो भी कोई असें लोगों जचया नहीं है तो यह मतलब मैं समझना कि बड़ी जड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हलचल नहीं होनी है ये ठीक है कि उनका कद बड़ा है तजर्बा भी बड़ा है उनके आने कन्ने सियासत गर्म हो गई है
पर तौले गए ठंडी हो जानी। शर्मा साहब जियां तुसीं आख्या कि वह राष्ट्रीय पार्टी का गठन करना चाहते और सुनने इयै आवा करदा कि राष्ट्रीय पार्टी का उन्हें गठन करना है और इत्थां आणीऐ उन्हें एक इलाकाई पार्टी का जिहड़ा गठन करने की घोषणा की है। लोग तो यह भी चर्चा करा करते हैं कि ये तुंदी गै हाई कमान के इशारे पर उन्हें जिहड़ी इलाकाई पार्टी जिहड़ी है उहदा गठन किया है। क्या आखे तुस? देखो जी जिहड़ा लोग तो यह भी आखा करते हैं कि ये बीजेपी की डी टीम बनी है। नहीं वो तो चलो लोकें के आखना खून ही फड़न होंगे पर बीजेपी तो इस बारी जिस हिसाब की डिलिमिटेशन हुई है इंसाफ होया लोगों कने जिस हिसाब की बाकी तैयारियां होआ दियां हर तबके ही आने वाली असैम्बली उन्हें रिप्रजेंटेशन देनी है उस हिसाब ने बीजेपी की अपना प्लान है कि अस अपनी सरकार बनाचै और इस करी पहले अस पीडीपी नहीं शामिल होगी लोगों लगे अस भी सरकार च आई सकने इस बारी पूरी कोशिश होनी है कि बीजेपी अपनी सरकार बनावे तो इस उस हिसाब कने तो इंदे कने कोई तालमेल होना जा इंदा कोई सेंटर कने तालमेल होना मी कोई गल जचदी नहीं है। दबी जबान से भी लोग आखा करते हैं हुण मैं पार्टियां दा नां नहीं लैंग है कि आजाद साहब की दिल्ली वाले भेजिया गया इस वास्ते है कि बीजेपी कोल कोई इस एडे कद दा नेता नहीं है तो चीफ मिनिस्टर कुछ ही बनाया जा। ऐसी गल नहीं हो सकती इन्हें बीजेपी ने नहीं भेजा इन्हें कांग्रेस वाले कढ़िया बाहर इन्हें मां पुत्र ने गै भेजा वापस जाओ जितों आए हे क्योंकि उन्हें वैसे तो मैं इस गल का खुशी नहीं है कि इन बाहर कढ़िया उन्हें इंदा बड़ा तजर्बा हा उन्दे कोला बड़े बड़े खरे पर उन्हें कढ़ी लाया बाहर नहीं तो नहीं जम्मू आना पाया कोई सेंटर की स्कीम नहीं सेंटर कांग्रेस स्कीम हो सकी नहीं बाहर भेजो क्योंकि शक इतों भी लोगों की पवा करता क्योंकि लोग तो बहुत सरदे करवाते ना कि आजाद साहब ने जिन्ना भी भाषण एक घंटा के किश मिनटें का उन्हें भाषण दिता है वो उन्हें आख्या कि रियासत का जो दर्जा बहाल होना चाहिए नौकरियां सुरक्षित होनी चाहिए जमीन सुरक्षित होनी चाहिए लेकिन दफा 370 के खिलाफ उन्हें एक शब्द तक नहीं बोलिया और लोग आखते कि इतों लगता कि कोई आपू बिचें कोई नूरा जी कोई है गलबात कोई है दिल्ली कने नहीं वो सियाने लीडर ने उन्हें पता 370 एक बार गेदी अड्डिया गंगा रोड़ी दियाँ वापस नहीं आई सकदियाँ इस गल का जिक्र करना उन्होंने पसंद किया लेकिन देखो दुई गल करा दे वो आखा दे कि बाहर के लोगों को यहाँ बसने नहीं देंगे बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी नहीं लेने देंगे एक गल ठीक है कि पहला राइट जोड़ा है वो जम्मू के लोकल लोगों का बनता है लेकिन बाहर के जो लफ्ज़ है ना ये बड़ा गलत है जो फौजी लड़ने वास्ते आते हैं तो बाहर के आते हैं असें कोई मदद लाने की बाहर आती है ये बाहर अंदर की गल नहीं करनी चाहिए है पहला हक स्थानीय लोगों का उसके बाद कोई जगह बचती है ऐसी तो जियाँ जम्मू जियाँ साढ़े 8-9 यूनिवर्सिटियां इतने बाहर के टीचर भी पढ़ाने आते हैं ना यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता यूनिवर्सल बिल्कुल वो इलाका ही नहीं हो सकती है इं गए इन कमें अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो उसी आना बनता है लेकिन साढ़ा लोकल नौकरियों पर जो स्टेट दौकरियाँ सारा हक बनता है लेकिन यह गल आखनी बहुत बाहर वाले लोग हैं बाहर वाले लोग हैं यह गल भुली जानी चाहिए हूँ बाहर वाले अंदर वाले सारे हिंदुस्तानी सारे बराबर सारे भैन भरा शर्मा साहब जियाँ कि जम्मू की खेती की अगर गल करचै तो बीजेपी का भी इतने दबदबा बीजेपी भी अपने आप की जम्मू खिते की पार्टी आखदा और हर जी विधानसभा हलका उस उनकी इयै मंशा है और इयै सुखना देखते हैं कि सारिया सीटा असें लैनियां पर आजाद और भी जम्मू के लीडर न जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रही चुके दिन और जम्मू च भी उनके जेडे ज़्यादातर जेडे कद्दावर नेता है कांग्रेस छोड़ी है वो उनकी पार्टी उनकी उनके कने शामिल उनके ग्रुप शामिल हो चुके हैं तो क्या उनका जम्मू च आने का असर जोड़ा है वो बीजेपी उपर पाओ की के लोग तो नाराज तुंदी पार्टी कन्नै भी लब्भा करदे ने कई जेड़े उन्हें तुसें जेड़े सुखने दसे हे उनेंगी जेड़े जेड़ियां उनेंगी इखियां मेदां लाइयां हां तुस भी उहदा पर खरे नहीं उतरे। नहीं सागर साहब इसलै साडी सरकार प्रत्यक्ष नहीं है सीधी साडी सरकार नहीं इसलै ब्यूरोक्रेट सरकार चला दे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चला दे तुंदी पार्टी दे कन्नै नहीं पार्टी दे ते होंगन एक पार्टी साहब बने चला दे वो सरकार अपने साहब बने चला करदे ने इसलै तुस आखो कि साडी पार्टी कोई सही है इस मामले ते बड़ी ज्यादा नहीं है इस करी इसलै जो कुछ होआ करदा है तुंदे लीडर आखदे ने भई साडी सरकार है वो ते छाती ठोकी ठोकी आखदे ने कि सारे गै अपने गल है सागर साहब मैं उन्हें तो कोई मंच नहीं छोड़िया जिथे उन्हें नहीं आख्या हो भाई साडी सरकार नहीं है मैं पार्टी का पुराना सिपाही हाँ मेरे अंगर होर भी हैं लोग उनसे कुछ ने इली गल नहीं की होनी ये कुछ नवे न वो गल करी प्रधान गवर्नर साढ़ा अपना बंदा है इली गल करी ओड़ते हैं कई बार और वक्त कने मेच्योरिटी होती है इस करिए मैं समझना कि ऐसी गल कोई नहीं है ये प्रशासन ये सीधी इंस्ट्रक्शन है देखो कुसा कमीशन च कुसा कमेटी उन्हें बीजेपी का कोई आदमी नॉमिनेट नहीं किया अमित शाह का सीधा इंस्ट्रक्शन यही कि नॉन पार्टी गवर्नमेंट चलाओ कुसा पार्टी सही नहीं हो
कुसै जगह बीजेपी का कोई आदमी किसी कमीशन कुसै जगह या कुसै कमेटी से या सरकारी जोड़े होंगे महकमे जोड़े काजी जुडिशल महकमे तो कुसै नहीं लाया गया। यह मतलब यह कि सेंटर हाई कमांड नहीं चाहती कि बीजेपी इस एडमिशन आवे और ना गै आवा दी है ना वो आन दे रहे वो भी अपने हिसाब से चला दे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बिल्कुल अपने हिसाब से चला करते हैं और बीजेपी उनके थ्रू अपने कोई वायदे पूरे नहीं करी सकती मेरे हिसाब से। तुस आखते हो कि जम्मू दी ज़्यादातर सीटा जिहड़ियां ने असीं जितनियां तां गै तुंदा चीफ मिनिस्टर बनी सकता आजाद उनके आने का कारण किन्ना घाटा पाओ तुसीं? कोई घाटा नहीं पाउणा। आजाद और पिछले बार भी इत्थे आए तां भी सुनील शर्मा जिते किश्तवाड़ दा असें भद्रवाही सीट लई असें डोडे सीट लई उंदे हुंदे हुंदे लई ना ते हुण भी कोई फर्क नहीं पौना। साढ़े लोकें बड़ा काम किया उस इलाके जबरदस्त काम किया है जिसलै मिलिटेंसी इधर आजाद और चली गए कुदै दिल्ली इतने आए गए नहीं जोड़े मौके पर मदद करने वाले लोग है वो लोग भुले थोड़े कोई जिसलै कोई बम ब्लास्ट होंदा हा जां कोई किलिंग होंदी ही मिलिट टैररिज्म होंदा हा तो साढ़े लोग साढ़ी पार्टी पुज्जी दी होंदी ही ये लोग भुले नहीं सकते उत्थे इस करी कोई मी नहीं लगता ज़्यादा फर्क पाना इहदे कन्नै। आजाद दे गुट दे जिहड़े दिग्गज नेता ने उनका इयै आखना है कि जिहड़ी बीजेपी कल्ले मैदान पर छाती ठोकी ठोकी है अपना जिहड़ा रथ चलाने की गल करदी ही असें उनका रथ रोकी देना नहीं वह हाइपोथेटिकल गल करदे ने इयां सुखने लै दे डे ड्रीमिंग वो कुछ नहीं कर सकते ना पिछले बारी कर सके ना हुण कुछ कर सकना क्योंकि इस दौरान बिल्कुल ठंडे रहे हो कांग्रेस भी लड़े लड़े रहे अंदर बड़े नहीं तो आजाद साहब भी नहीं इधर खास बड़े कोई तो इस करी उन्हें कोई काम किया नहीं है इतने कि वो लोग उन्हें पसंद करें या असें कोई नुकसान पहुँचाई सकन। शर्मा साहब तुसें भी बड़िया लोगों की सब जवाब दसे है भाई सारी सरकार आओ तो बेरोज़गारी जी है वह दूर हो जाग हर घर नौकरी थोई जाग पर देखने आवा करता है कि नौजवान तबका जोड़ा है वह सड़कें उपर है लिस्टा बनदियां ने इंटरव्यू होने बाद कैंसल हो जड़े वादे तुसें जो सुखने तुसें लोगों की दसे तो क्या वो चकनाचूर नहीं तुम आपू गए फरमाया कि असें आख्या जो साड़ी सरकार रहोग तो अस बेरोज़गारी हूँ कि सरकार आनी है पूरे हिंदुस्तान से तुम्हारी चुनाव जल्द होंगे ना इतने साड़ी सरकार रहोग जम्मू कश्मीर तो फिर तो वायदे पूरे करके ना फिर कुछ धरने पर बौने की जरूरत नहीं पौनी कोई ऐसी गल नहीं होनी सारा मामला ठीक हो जाना क्योंकि असें समझ है जो ब्यूरोक्रैट्स आए दिन बारह दे इतों के उन्हें लोगों के इन्ना प्यार नहीं है हमें साफ आखना वो हर्ट लैसन स्टोन हर्टेड उन्हें कोई चिंता नहीं करना अस तो लोगों में जमे पले हुए लोगों में रेवे हैं असं उनकी समस्या पता और जल्द असं मौका मिलता है अस सारी समस्या हल करिए जी तुम आख्या भाई ब्यूरोक्रेट जी नौकरशाह वो गल घट सुनते हैं तो क्या तुम इस बारे च कि यह तो गृह मंत्रालय के हेठ चला करता पूरा जोड़ा सिस्टम है तो क्या तुम उत्थे भी तो अपनी फरियाद सुनाई सकते हो और आखते हैं कि पिछले दिन जी बैठक हुई है उस विच भी ये मुद्दा उठा है तो क्या तुम समझते हो कि आने वाले समय च नौकरशाही जी है वह तुम्हारी गल सुनो नहीं नौकरशाही की आदत क्या नहीं है लोगों की गल सुनने की भावें इंस्ट्रक्शन मिले या जो मर्जी हुआ उनकी आदत नहीं है और बड़ा बल्कि मैं थोड़े मैदे में भी आखना चाहना मैं बीजेपी का सीनियर लीडर हाँ ये नौकरशाह लोगों के मिसबिहेव भी करते हैं तमीज कहीं गल नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें लगे कि थोड़ी देर रास्ता आए हैं तो अस वापस चली आगे साढ़े अगर साढ़े लोग तो है नहीं मगर असें तकलीफ इस गल की अस चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चुनाव है अच्छे लोग चुनोई आने लोगों दिखना पौना कि लोग चुनिया भेजने अच्छे लोग चुनिया आन जो लोगों के हमदर्द हो गल समझते हो लोगों उम्मीदा तंगा जड़ियाँ उनके मुताबिक उतर सकन ऐसी सरकार बनाए तौले कोला तौले बनाए मेरी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन शर्मा और आखा करते हैं कि आजाद हुंदे नवी पार्टी का गठन करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा रथ है वो तेज रफ्तार च लगातार चलता रहोग और एक गल उन्हें बड़ी खास आखी है कि नौकरशाह जेड़े ने वो लोगों की गल नहीं है सुना करते और लोगों की भलाई बेहतरी कीता है सरकार का गठन होना गै बड़ा जरूरी है।